प्रैक्टिस सेट 2.1 इन फिगर, ये फिगर दिए, लाइन आरपी पैरेलल टू एमएस, आरपी और एमएस क्या है, पैरेलल, आरपी एमएस पैरेलल, डीके कौन है, ट्रांसवर्सल, डीके कौन है, ट्रांसवर्सल, एंगल डीएचपी 85 डिग्री, डीएचपी जो एंगल का नाम देंगे तुम लोग वही लिखने का, एंगल डीएचपी दे रहे 85 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, आरएचडी फाइंड करने का है, आरएचडी, फिर फाइंड करने का पीएचजी, पीएचजी, फिर फाइंड करने का एचजीएस, एचजीएस, फिर फाइंड करने का है एमजीके, एमजीके, धूप आने में दो ना, एमजीके, चलो सॉल्यूशन, डीएचपी की वैल्यू दिए, क्या फाइंड करने का है, आर एच डी, आर एच डी, डी एच पी और आर एच डी का क्या रिलेशन है, आजू बाजू में, यानी लीनियर पैर एंगल, आजू बाजू वाले एंगल को क्या बोलते हैं, लीनियर पैर एंगल, और लीनियर पैर एंगल में पैरेलल लाइन वो सब इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, तो जो फाइंड करने का पहले उसको लिखो, आर एच डी फाइंड करने का, एंगल आर एच डी प्लस कौन सी वैल्यू दिए, डी एच पी, डी एच पी, आर एच डी और डी एच पी एग्जैक्ट आजू बाजू में, एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पैर एंगल, क्या लिखेंगे, लीनियर पैर एंगल, अभी वैल्यू भरेंगे, देयरफॉर इधर देयरफॉर नहीं आएगा, अभी यहां से देयरफॉर, आर एच डी, आर एच डी की वैल्यू नहीं दिए, आर एच डी फाइंड करने का, प्लस एंगल डी एच पी, डी एच पी कितना है, 85 डिग्री इज इक्वल टू 180, एंगल आर एच डी इज इक्वल टू 180 प्लस 85 हो जाएगा तो माइनस 85, देयरफॉर एंगल आर एच डी इज इक्वल टू 180 में से 85 गया 95 डिग्री, कितना मिला 95 डिग्री, आई की वैल्यू मिल गई, आर एच डी 95 डिग्री, आर एच डी हो गया 95 डिग्री, अभी पी एच जी फाइंड करने का, क्या फाइंड करने का, पी एच जी, पी किधर है, पी एच जी इधर है, पी एच जी, इन लोग दोनों देखो जाओ तो आजू बाजू में, लेकिन इतना सब सॉल्व करना पड़ेगा, इन लोग दोनों एग्जैक्ट आमने सामने, आमने सामने को बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल पी एच जी फाइंड करने का, क्या फाइंड करने का, पी एच जी, पी एच जी, इन लोग दोनों आमने सामने, और वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए भी लीनियर वो पैरेलल लाइन बताने की जरूरत नहीं है, तो पी एच जी फाइंड करने का, एंगल पी एच जी, जो फाइंड करने बोले उसको पहले लिखा, पी एच जी फाइंड करने ना, पी एच जी, पी एच जी के सामने कौन सा एंगल है, ये या तो आर एच डी बोलो या तो डी एच आर, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या नाम था, आर एच डी, तो मैं आर एच डी लिखूंगा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या रहते हैं, इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या रहते हैं, इक्वल, तो पी एच जी इज इक्वल टू एंगल आर एच डी वर्टिकली अपोजिट एंगल, therefore एंगल पी एच जी, आर एच डी, आर एच डी कितना मिला 95, यहाँ मिला ना 95 डिग्री, एंगल पी एच जी हो गया 95 डिग्री, पी एच जी हो गया 95 डिग्री, पी एच जी मिल गया, पी एच जी के बाद क्या फाइंड करने बोले, एच जी एस, वेर इज एच जी एस, एच जी एस इधर है, ये जो एच जी एस है ना, ये एंगल और पी जी, पी एच जी, ये दोनों इंटीरियर दिख रहे हैं, मैं इंटीरियर से भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले इंटीरियर में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल दोनों मिलके क्या बनते हैं 180 डिग्री, लेकिन उससे अच्छा क्या फाइंड करने का, मेरे को एच जी एस ना, एच जी एस को इंटीरियर एंगल से फाइंड करने से अच्छा, ये एंगल क्या रहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या रहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो जो फाइंड करने का पहले उसको लिखेंगे एच जी एस, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए तुम्हारे को बताना पड़ेगा ये इन्फॉर्मेशन कि दो लाइन क्या है पैरेलल, और लाइन डीके कौन है, ट्रांसवर्सल, तो जो दो लाइन पैरेलल है वो कौन है, ये वो लिखे बताएंगे, लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस, एंड लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस, एंड डीके इज देयर ट्रांसवर्सल, एंड लाइन डीके इज देयर ट्रांसवर्सल, डीके कौन है, ट्रांसवर्सल, चलो ये दोनों क्या है, गिवन, ये दोनों क्या है, गिवन, क्या फाइंड करने बोले, एच जी एस, एच जी एस और डी एस पी,
क्या रहेंगे, इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो पहले जो फाइंड करेगा वो लिखो एंगल एच जी एस, एंगल एच जी एस, एंगल हिलाओ बताओ, एंगल एच जी एस, एंगल एच जी एस, एंगल एच जी एस किसके डी एच पी, एंगल एच जी एस इज इक्वल टू एंगल डी एच पी। और एंगल एच जी एस और डी एच पी कौन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो लाइन पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो इधर लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। दो लाइन पैरेलल है ना, तो हम लोग क्या बताएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। देयरफॉर एंगल एच जी एस इज इक्वल टू एंगल डी एच पी, डी एच पी कितना है 85 डिग्री, डी एच पी हो गया 85 डिग्री, सॉरी एच जी एस हो गया 85 डिग्री, एच जी एस मिल गया। अभी क्या फाइंड करने का, एम जी के, क्या फाइंड करने का, एम जी के, एम जी के और ये दोनों आमने सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जो फाइंड करने का उसको पहले लिखेंगे, एंगल एम जी के इज इक्वल टू, एंगल एम जी के इज इक्वल टू एच जी एस या एस जी एच, जो बोलने का बोलो। यहाँ पे क्या नाम दिए ले, एच जी एस, तो अपन लिखेंगे एच जी एस, एंगल एच जी एस, एंगल एम जी के और एच जी एस कौन सा एंगल दिख रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर एंगल एम जी के इज इक्वल टू एच जी एस कितना मिला 85 डिग्री, चारों हो गए। फिर आंसर डॉट लिख के बताएंगे, मार्जिन के इधर नहीं लिखेंगे, आंसर डॉट इधर लिखेंगे, आंसर डॉट। फर्स्ट पहले फाइंड करने बोले आर एच डी, आर एच डी कितना मिला 95 डिग्री। सेकेंड, सेकेंड क्या फाइंड करने बोले, पी एच जी, पी एच जी, पी एच जी कितना मिला इधर 95 डिग्री, 95 डिग्री। थर्ड, थर्ड क्या फाइंड करने बोले, एच जी एस, एंगल एच जी एस, एच जी एस कितना मिला 85 डिग्री। फोर्थ एंगल एम जी के फाइंड करने बोले, एम जी के कितना मिला 85 डिग्री। एम जी के कितना मिला 85 डिग्री, समझ आया।